टाइम क्यों करेगा भाई। एक वक्त तो हम लोग 11 बजे तक भी बैठते थे कि मॉल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे के अब बिल के हाथ तो देखे। अब हम इंटरनेशनल फटाफट जा रहे हैं तो हमारे को इंटरनेशनल चीजें तो करना पड़ेगी कम से कम भी, क्योंकि पार्टी बोलिए 20-25 हजार दो, 20-25 हजार का तो पूरे हफ्ते में काम नहीं हो रहा इस वक्त। अल्लाह रमजान आएंगे असल, अब तो हमारा ये समझो ये वाला तरीके आ रहा हूँ मैं, साथ में कुछ खाकर भी आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज बता नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे, अपने भाई को दुआ में दरो याद कर रहे होंगे। भाई दोस्तों, आज हारून मार्केट के जो हालत हासिल है ना, वो तो जरूरत से ज्यादा ही कुछ सन्नाटे में चल रही है। मतलब जो हाल है ना, जो हाल है, तो मैंने सोचा यार चाची भाई से अपने पूछे तो क्या ऐसा कैसे चलेगा। इमरान भाई हमारे बिल लेके घूम रहे हैं। भाई आप बिल लेके घूम रहे हो, आपको पता है कारोबारी हालत का क्या चल रहा है? बिल लेके घूम रहा अभी आवाम को बिल दूंगा, खाने को हो नहीं हो, बिजली का बिल हो। भाई बिजली का बिल भी देना पड़ रहा है, देना पड़ रहे और इधारों को मजबूत करना हमारा काम है। जब तक हम दिन ना इधारे मजबूत करते रहे, चूल्हा जले चाहे घर में चूल्हा जले नहीं जले, वो टल्ला जलाएंगे ना, हम क्या जलाएंगे यार। लेकिन अब हम इंटरनेशनल फटा पे जा रहे हैं तो हमारे को इंटरनेशनल चीजें तो करना पड़ेगी ना भाई। कब तक हम गरीबी में जीते रहेंगे? मार्केट तो अब ये भाई सिर्फ राशन उठेगा और बिजली के बिल उठेंगे, गैस के बिल उठेंगे और आवाम के दिल उठेंगे, बस आवाम के दिल उठेंगे, पैसे नहीं उठेंगे। अब इंतजार करते रहो, घा कब आएगा, यही हो रहा है, यही चल रहा है। अल्लाह पाक आपकी अच्छी वो करे, हम सब लेके चल रहे हैं भाई। हम तो मार्केट के हालात है हाजरा जो है ना भाई, आप लोग देख लो मार्केट के हालात वैसी पतली है। इमरान ने बिल दूर से दिखा रहे हैं, बिल आ गए, बंदा वो मिल जाएगा जो बंदा चल रहा था ना, जो में वो भी गया मार्केट और हालात अस्सलाम वालेकुम। भाई मार्केट तो ये है, हवा तो चल गई है, लोगों की जेब खत्म हो गई है लगता है हवा के साथ। हवा ठंड तो आज मौसम ठंडा हो जैसा हो गया है, हम तो समझा कि खाया का काम अच्छा होगा। कुछ चाहिए सीजन है, हाँ सीजन है, और सीजन लोग सीजन मसला के हमारे, हम तो समझे हमारे ही मार्केट में रश नहीं है, जिससे भी सुनो तो हाँ भाई हर कोई कह रहा है। हाँ। कल परसों में मार्केट जब सदर किया हूँ तो वहाँ भी ऐसा कोई रश नहीं था भाई। हाँ। यही है बात, हम तो सीधा रस्ती भाई सीधा ने। अब इसके बाद इंशाल्लाह रमजान आएंगे असल, अब तो हमारा ये समझो ये वाला सीजन तो निपट गया, फिट गया। अब हमारी नजर है रमजान के सीजन पे, इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि रमजान का सीजन बहुत अच्छा गुजरा है। जी फरमाया, तो ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है मार्केट में। चलें कंटिन्यू करते रहेंगे ब्लॉग को, जैसे जैसे टाइम की सेटिंग बनती रहेगी, कस्टमर आया तो जरा कस्टमर वगैरह देखते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल चाल? सलीम भाई हमारे साथ है भाई दोस्तों माशाल्लाह से, ये देखें भाई, ये देख के भाई खर्चा करके आ रहे हैं भाई, हमारे बाइक का नया नया हेलमेट सलीम भाई। जी हां क्यों, माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, मैं आपने हेलमेट की हमारी तारीफ करी माशाल्लाह, हमें खुशी हुई। लेकिन भी करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। हम शादी में गए थे एक तकरीब में और रात में कोई हमारा हेलमेट ही लेकर चले गया। अच्छा मतलब खर्चा जबरदस्ती वाला है? हाँ जबरदस्ती वाला, खुशी से नहीं है। और सुनाए सब ठीक ठाक है, खैरियत है? बस घूमते फिरते, क्या बस ड्यूटी पे आ गए, घूमते फिरते तो आते हैं। उसकी वजह ये है कि घर जाते हैं, घर से रास्ते में किसी मुलाकात होती है, दोस्तों से मिलते हैं, कुछ काम के बारे में बातचीत होती है, तो हाल अहवाल पूछते रहते हैं, सबको बताते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। जबरदस्त। और आज भाभी का अच्छी चाय पी के आ रहे हैं, चाय तो माशाल्लाह पी के आ रहा हूँ मैं, साथ में कुछ खाकर भी आ रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज वो बता नहीं सकता। हाँ मजे तो है, मजे तो है, इसमें कोई शक नहीं है भाई, मजे तो आते हैं। और मार्केट ये क्या रिपोर्ट कर रही है? ये मार्केट आज से अगर हम पिछले 2-4 दिन पहले पीछे जाएं तो मार्केट कुछ बेहतर लग रही है 2-3 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन से मार्केट एकदम लेट गई है, समझ में नहीं आता क्या हो गया। मजे की बात ये करीब आ रहे हैं और ज्यादा लेट वो लोग ना, जो लोग सोच रहे थे जिनके दिमाग में, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये मुश्किल से 6 दिन बाकी है, और लेकिन जो लोगों के ख्वाब थे या लोग सोच रहे थे जिन्होंने अपना दिमाग बना रखा था काम के हवाले से, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप इधर आ जाओ, जो क्या कह रहे हैं मैं तो कुछ काम में काम को करना है, मैं सर आपसे पैसे लेने, अगर आप पैसे नहीं देंगे, सुन लीजिए, अगर आप मेंटेनेंस पैसे नहीं देंगे राइट साहब, आप खास तौर सुन लें, आपकी दुकान की लाइटें मुस्तकबिल में बंद कर दी जाएंगी, इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी बातें मैं आता हूँ इंशाल्लाह। अब वाली बातें खत्म हो गई हैं, पहले मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेंटेनेंस किस चीज की ले रहे हैं आप?
कहाँ की लाइटें चल रही है, देखिए पंखे तो मैं आपको गिनवा देता हूँ कितने पंखे चल रहे हैं यहाँ पर अभी अवेल, ठीक है, और लाइटें भी गिनवा देता हूँ। और किस चीज की ले रहे हैं आप? पंखे और लाइटें, कितने का बिल आ रहा है बिजली का? ये सब बतानी जरूरी है आप लोगों को। नहीं आपके नहीं बात तो सुनी, दर्द तो आए। सलीम भाई इधर आए प्लीज, सलीम भाई प्लीज, सलीम भाई एक्सक्यूज मी, सलीम भाई प्लीज, सलीम भाई मुझे सिर्फ इतना डिफाइन कर रहे हैं आप किस चीज की मेंटेनेंस ले रहे हैं मेरे भाई। सलीम भाई जब तो आए प्लीज, महीने बाद भी ऐसे पड़े होंगे, मेंटेनेंस कहाँ जा रही है? अर्शद भाई आप तो लगता है बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अर्शद भाई वहाँ तो आप इतने माशाल्लाह हाई फाई रहते थे, यहाँ पे आते क्या हो गया आपको यार? मेंटेनेंस दे रहे हो आप, अपना खून पसीना जो ना यहाँ पे लगा के दे रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक डब्बा पड़ा हुआ देख लो, आपको इतना वो नहीं हो रहा कि यार 5-10 हजार रुपए आप मेंटेनेंस के दे रहे हो, उसके अवेल आपको क्या फायदा मिल रहा है? 10 हजार में आपको क्या मिल रहा है ये मुझे बता दें अर्शद भाई। अपने ही मॉल यार, अपने ही लोग हैं। मसला ये है कि परेशानी तो हमारे हमें है ना, हमारी अपनी जाती दुकान है, बाकी यहाँ तो रेंटर जो आया है वो चला जाएगा अगर जरा सा खाना खराब हुआ। हमारी वैल्यूएशन तो नीचे डाउन हो रही है ना यार, हमें तो हालत दिख रहे हैं, हालत की क्या चल रही है। ऐसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, इसका मकसद ये थोड़ी कि ऑल ओवर ही काम नहीं है, काम तो है ना थोड़ा बहुत। अब ये कह लो कि 100% नहीं हो, 50% नहीं हो, 40% 20% तो काम नहीं हो जाएंगे। 5 हजार रुपए मेंटेनेंस देना कोई आसान है आज के दौर में? ये अच्छी बात नहीं है। इसको जो है ना मैं दुकानदारों से गुजारिश करूंगा कि जो है ना इस पे थोड़ा सा लायमल बनाए। एक्सपेंस बिल चाहिए, लेबर चार्जेस है, खाना है और बहुत सारे से मामला है, दुकान के पानी है एक्स्ट्रा है, लेकिन एक दुकान कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए पड़ लिया अगर रेंट की भी शॉप है तो मंथली, तो इस तरीके से आप 50,000 रुपए निकाल लेंगे। मुझे तो यहाँ लगता भी नहीं कि सूटों पे 1,000 रुपए रोज भी निकल जाए, जो हालात मामला चल रहे हैं, ना सेल है ना परचेज है, समझ से बाहर है हमारी दोनों में, हमारे समझ में आता। बाकी ये फुरकान भाई बताएंगे आपको क्या, देखिए बात ये है आगे कुछ नहीं होना। सीजन तो मुझे नहीं लगता कि सीजन अच्छा होगा, उसकी वजुआत ये कि हाँ रमजान पिछले 2 साल से डाउन होता जा रहा है, और जो हालात की नस्बत देखो एक्टिविटी नहीं करेंगे ना हम किसी भी नौयत की, तो हमारा मजीद बिजनेस जो ना और डाउन होगा। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है और वही देने वाला है, हम तो उसी से कोशिश कर अपनी मेहनत करेंगे और दुआ रब से मांगे। आप ऐसा नहीं है मेहनत ना करें और फिर बोले काम नहीं है, काम नहीं, वो हमारी ना आएगी। पहले हमें मेहनत करना है, उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है। लेकिन मेहनत तो राहुल भाई मेहनत तो सब कर ही रहे हैं, अगर वैसे देखो तो बस मकसद क्या है? ये बहुत बात चीजों में ये हो जाता है ना यार, मेहनत करने का दिल नहीं चाह रहा होता, बोलते हैं यार काम नहीं है तो चलो यार। पहले ये होता था कि बंदा दिल से मान लिया था, आप थोड़ा डर डर के ला रहे हैं। यार मसला ये ना कि हफ्ता देना भी होगा तो हफ्ता कैसे देंगे, पेमेंट कहाँ से देंगे? मुझे भी तो ये बताया ना आप, अगर फुरकान भाई मिसाल है अगर 2 पार्टियां हैं मेरी, ये 3 है, 2 चले 2 लगा लें, अब 10,000 रुपए हफ्ता ना देना कम से कम भी, क्योंकि पार्टी बोलिए 20-25 हजार दो, 20-25 हजार का तो पूरे हफ्ते में काम नहीं हो रहा इस वक्त, और हम 2 पार्टियों कैसे निपटाएंगे ये बताएं। तो होना सेल होगी तो काम बनेगा। देखो अच्छे दुकानदार तो कभी नहीं चाहेगा कि वो पार्टी के पैसे, वो तो चाहेगा पार्टी को पैसे दो माल दे। अब जो अब चंद लोगों की वजह से ऑल ओवर खराब हो गया है, क्योंकि हालात खराब है तो सभी खराब हो गए। ये अल्लाह बेहतर करने वाला है, बट ये कि अल्लाह ताला काम कर रहा है। भाई की दिल की आवाजें आ रही हैं, दोस्तों देख रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अपने टाइम से काम करने वाले बंदे तो नहीं, नॉर्मल बंदा ये पुराना बंदा बैठा हुआ है भाई, तो उसके बाद फिर ये कस्टमर भी नहीं समझ रहा अभी। जो शख्स ये कहता है ना कि महंगाई महंगा इतना महंगा, तो मैं कहता हूँ उसको या तो पागल बना रहा दुकानदार को, या तो उसको पता नहीं है, क्योंकि सबको पता है महंगाई है। खाने के लिए सब कुछ सही है, बाकी पहनने के लिए सब महंगा होता है। दुकान भाई आप ये देखे ना यार, एक चीज कॉस्टिंग में कहाँ से कहाँ चले गए, आप वहीं के वहीं जी रहे हैं, तो गलत बात है, झूठ है सरा सरा मेरी नजर में झूठ है। हाँ ये बोला अभी महंगा हो गया हमारे बारे में, नहीं ये कहते अब ये दुकानदार को बोला आपको इतना महंगा क्या मकसद है? क्या पहन नहीं रहे कपड़े, क्या खाना खा नहीं रहे, ऑयल कहाँ से कहाँ चले गया, चावल कहाँ से कहाँ चले गए, गोश्त कहाँ से कहाँ चले गया, इतना तो सोचना चाहिए इंसान को 2 सालों में कितनी महंगाई है। उसके बावजूद हम ये बोलूँ महंगाई नहीं है, तो मैं कहता हूँ या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सही बात तो ये ना, कौन सा ऐसा बंदा है इसको नहीं पता महंगाई हो गई? हाँ पेंड से तो आया नहीं है, और पेंड वाले भी कोई पता है कि अगर काश्तकारी हो गई है तो वो भी महंगी है। ये तो हर चीज महंगाई है ना, महंगाई दिल की भड़ास आज राहुल भाई ने निकाल दी, ऐसा ही है राहुल भाई नहीं निकली। तो वो है ना यार, जो अल्लाह चाहेगा, बट एक इंसान कोशिश कर रहा उसके बावजूद नहीं काम होगा तो बोलेगा ना कि हमारी अपनी होता ही है ना, मेहनत जरूरी है ना, अपनी मेहनत जरूरी है, बाद में अल्लाह के आगे हाथ फैलाओ, पहले ही अपनी मेहनत जरूरी है।
और जो बात है वो अल्लाह खैर करेगा भाई, हम तो दुआ कर रहे हैं सबके लिए, हमारा तो काम खुद ही बुलावा, हम तो आते हैं टाइम पास करते हैं चले आते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। एक वक्त हम लोग 11 बजे तक भी बैठते थे मॉल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे के एंड तक काम भी करते थे, सुबह 2 बजे 1 बजे आते थे, आज हमारा यहाँ हम 3-4 बजे आते हैं, 8 बजे भाग जाते हैं, बैठने हम मजीद एक बंदा भी रखा है प्रॉपर तरीके से सेलमैन रखा ताकि इंशाल्लाह काम की बेहतरी हो, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला कस्टमरों को भी हिदायत दे और दुकानदारों को भी हिदायत दे कि अपना कम प्रॉफिट रखें मुनासिब तरीके से, और कस्टमर को हिदायत दे कि वो समझे कि दुकानदार को अगर मिल रहा होगा ना तो जरूर देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, कोई दुकान में नहीं छोड़ेगा भाई, पहले थे हलवे मांडे पराठे, अब तो सिर्फ दाल रोटी मिल जाए बल्कि सूखी रोटी मिल जाए तो बोलेगा चलो भाई आने से भागते की लंगोटी पकड़ ले। हमारे राहिल भाई का रिव्यू आपने देखा, सलीम भाई का देखा, राहिल भाई तो आज भाई बिल्कुल ही मतलब आसरा नहीं करा इन्होंने, बाबा मेंटेनेंस सलीम भाई लेते हैं नो डाउट, तो भाई आप काम भी तो करोगे ना, खैर खाली उनका नहीं है पर्पस, लेकिन ये कि भाई जैसे पहले पैसे बोलने आते हैं तो हम सब बोलेंगे तो उनको भी ना, क्या बोलते हो भाई? बिल्कुल बिल्कुल, तो एक चीज है ना कि चले भाई सही है मार्केट कम है काम नहीं है फलाएं डिमांड जो भी है, लेकिन भाई जिस चीज के आप पैसे पूरे दे रहे हो वो चीज हमें पता चाहिए, एसी की हम मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो चलता नहीं है, और सफाई, तो भाई ये सब चल रहा था आज, तो आज की जो वीडियो थी दोस्तों, नहीं आप लोग जाओ चैनल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करके बताओ कि आपको हमारी जो मार्केट की रिपोर्ट्स वगैरह होती है अपडेट वगैरह होती है कैसी लगती है। ये भाई हमारे चाय वाले भाई ने चाय भर दी है, चाय पी रहे हैं हम लोग, चाय पियेंगे, चाय 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 चाय, बिलो की टेंशन सॉरी टेंशन। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो यही एंड करते हैं, इस उम्मीद के आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत से होंगे, खुश खुद रहेंगे और दुआ में अपने भाई को जरूर याद कर रहे होंगे, तो भाई जाके सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आप लोगों से, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक 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 के बाय।